हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है अभी आगे। तो आप देखिए कि हम लोग 15 व्लॉग्स की सीरीज कर रहे हैं। इन 15 व्लॉग्स में से ये हमारा थर्ड व्लॉग है। फर्स्ट व्लॉग में हमने आपको बता दिया कि हमारे भैया मिस्टर अरुण शर्मा, हमारे सबसे बड़े भैया, क्या पहनेंगे शादी के फंक्शन में। अब आगे वाले व्लॉग्स में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे प्री वेडिंग शूट का जो हमने सीक्रेट रखा है, बताना मत किसी को। तो हम प्री वेडिंग शूट भी कर रहे हैं, वैसे तो ये एक सीक्रेट था लेकिन मैंने बता दी, कोई बात नहीं। हम लोग प्री वेडिंग शूट करेंगे, फिर हमारी शॉपिंग, आपको बताएंगे कि हमारे घर पे कैसी कैसी हमारी तैयारियां चली हुई हैं, और हमारे घर पे सजावट होगी, और जितने भी सामान आएंगे हम आपको पूरा शो करेंगे। सो प्लीज़ बी अपडेटेड और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जस्ट अ सीरीज ऑफ 15 व्लॉग। सो आज जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हमारे हुए हैं वो हम आज दिखाएंगे आपको। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम तन्नू को लेने चल पड़े हैं। वेलकम टू होम तन्नू। बड़ा सामान लेने आई तू? कहीं अरे भैया जाइए, खाली थोड़ी ना होना। क्या भी है और कैसा फील कर रहे हो? हाय गाइस, बाबा जी। बाबा केड़ा लगा तू हो मेरे घर आने दे। और जब तीन औरतें मिलती है तो कुछ बात ना हो तो मजा नहीं आता है। तो थोड़ी बहुत बात बात करके हम चल दिए अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। लेट्स गो। हम दिखा रहे हैं आपको अपना यहाँ पे मंदिर। ये जस्ट हमारे घर के साथ में एक पहाड़ है, पहाड़ के एकदम टॉप के ऊपर मंदिर है। तो आप भी देखिए कैसे दिखता है, शिव जी का मंदिर है ये। हाय गाइस, वेलकम। सो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो ब्लॉग की सीरीज बन रही है, 15 ब्लॉग की सीरीज, सो किस पे बन रही है और क्या हमारा मोटिव है सारा ब्लॉग्स बनाने का ना एवरीथिंग। सो बेसिकली हम लोग 8 कजन्स हैं और हमारे जो फादर हैं वो 3 भाई हैं। सो हमारे घर में नेक्स्ट जनरेशन की हम कजन्स में सबसे पहली शादी है ये। सो उसके ही वजह से हम ब्लॉग बना रहे हैं कि जो एक्साइटमेंट होती है एक पहले भाई की शादी की, उसी के इर्द गिर्द सब घूम रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग लाइक दैट। सो हियर वी गो। अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही। सो हियर वी गो। टहलते टहलते वापस हम अपने घर की तरफ जाते हुए। तो आज नहीं, फिर भाई किसी का भाई किसी का जान में से है ना। आज हम आप सबको मिलवाते हैं हमारे भाई जान की जान, उनके अब जान से। सो भैया की शादी में क्या गिफ्ट दे यार? गिफ्ट क्या दे भाई को? गिफ्ट लाड़ी तो मिल रही है, वाइफ तो मिल रही है, और क्या गिफ्ट चाहिए? वो तो भगवान का दिया है ना, लुगाई बोलो। लेकिन हम क्या देंगे? देखिए, एक बेलन और एक दूध की बोतल। वो बहुत थोड़ा ऐसा हो गया कि हम लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अपना ट्रेंड बनाते हैं, कुछ नया बताओ। तो बैट एंड बॉल दे देते हैं। बैट एंड बॉल की ढपनी देते हैं। वाह वाह। गाइस ये थपनी में पहाड़ी में बोलते हैं बैट। नहीं, कपड़े धोने के काम आती है, कपड़े धोने के काम आती है वो। वैसे नहीं, सीरियसली क्या गिफ्ट है? सीरियसली हो सकता है अरुण शर्मा भी देख रहा हो कि क्या गिफ्ट मिलने वाला है, और भाभी भी देख रही हो कि मेरे को क्या गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ, हम भेज रहे हैं, हमने सोचा ही नहीं क्या गिफ्ट देना है। हाँ ये भी है। नहीं, क्या गिफ्ट? चलो कुछ नहीं तो वो गिफ्ट भी एक सरप्राइज रहेगा क्या? एंड ऑफ डिस्कशन। नहीं लेकिन तो भी हमने स्पेशली इसके लिए कुछ भी बनाया कि हम लोग भाई यहाँ गिफ्ट दे सी सोचे। हाँ लंदे और सब पैक कराई लिया। ओहो यार, गिफ्ट दिखाने का मतलब नहीं है ना, वो तो डायरेक्टली सबको दिख जाएगा।
नहीं सकते। मतलब प्री वेडिंग शूट था ना, एक्चुअल जो डिस्कस करना था गाना, पाबी गाने सेलेक्ट नहीं होता अरुण का। चलो गाना है जी, नहीं यूं लगता वैसे बड़ा सही गाना है, मजाक नहीं, नहीं यूं लगता। सुनो सुनिए 90s का, किसी का भाई किसी का जान। नहीं 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 90s का, 90s का थोड़ा भाई कौन जा गाना गाना 90s करे आती है। ओए विवाह के गाने सुनियो तुम। कौन जी विवाह? विवाह मु आज उनसे मिलना। सीरियसली है प्रेम रतन धन पायो दा है विवाह के गुंजे था विवाह के गाने की। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार, शायद फिर महीने आला था ना, लेकिन आए थे इस पर भी बने। अब हमारी शादी में दो मन जाने अजनबी हो, दैट सॉन्ग। एक गाना और मेरे दिमाग का है, डैडी द एल्बम में भी है वो गाना, किसी की उम्मीद किसी को क्या करते हैं, जाने मन हम तुमसे क्या करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा वो करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। नहीं ज्यादा पुराना है। सनम हम तो से तुमसे प्यार करते हैं। आगे एक तो है ये ना, नहीं वैसे विवाह देखा लोकेशन भी नहीं कांगड़ा फोर्ट मनु बीट रहा हिंदी बहुत ज्यादा संडे है ना। रिवाल सर चलते भाई, रिवाल सर दूर हो जाएगा। सुजानपुर फोर्ट तो जो खाली बिल्ला भाई, सुजानपुर खंडर है यार, कुछ भी नहीं है। खंडर तो खंडर से शूट करने मजा आता भाई। हां जो बड़ी पर ज्यादा इतना करना पड़ा है, मजाक नहीं थी कुछ भी नहीं। नट दे नट दे वीडियो बनानी। नहीं 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 भाई नहीं नहीं। कैफे कोई स्पेशल काइंड ऑफ नथिंग या कोई कैफेटेरिया हो या फिर कुछ काइंड ऑफ है हो ना, ये जंगल जंगल तो बहुत है, जंगल तो अपना ही बहुत है। जंगल पालमपुर ते आलमपुर ते भी कोई है स्पॉट पता है भाई? इतनी दूर यार, तुझे पता कितना हाजा आना जाना भी हो जाना यार। मतलब सुजानपुर वो आ रहे हैं उंदी पालमपुर बहुत भाई, पालमपुर नहीं मैं मजाक नहीं, पालमपुर बड़ी बुरी हालत बुरी हो जाती भाई। पहुंचे देगा क्यों थी इतना बुरा बंदा बन जाता है, क्या करना थी उठी जाके। नहीं नहीं थकी आने को नहीं स्पेशली पालमपुर जाई अलाउ नहीं करने लगे। कितया मैं नहीं मनी सकती। अरे कितया पालमपुर टाइम दीते थे नो भी टाइम कितना दीते? हां टाइम कितना दीते? 5-4 बजे वापस भाई, 5 बजे तक आयंगी उठी जा उठी शूट कर भाई। 4 घंटे इतने बीती आंदे सिर्फ हाथ दिखते दिखते 10 दिन। ये कोई एक्टर सा नहीं, बॉन एक्टर सा नहीं, बॉन एक्टर नहीं आने बॉन कोई भाई डांस देखे आ वाह कोई गल नहीं होंदी नी प्लीज इत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना स्पॉट तां दस ओए तू हां अणुआ ते थल्ले है जे जगह लेकिन सारा जंगल शूट हो जाना था। चिल्ड्रन पार्क कर लेंदे सीरियसली, अच्छा व्यू है, यू कैन वॉच इन वीडियोस, अच्छी वीडियोस होनी है, वीडियोस अच्छी हैं। हेलो न लोकेशन भी कर रही है, आई है बाबा ले लेंदे नी क्या है थल्ले थल्ले। थैंक यू थैंक यू, दिख बेटा साढ़े छे भाई ठीक है, आपको आपका ब्लॉग।